दोस्तों, क्या आपके फ़ोन से बहुत टाइम पहले कोई एसएमएस डिलीट हो चुका है? अगर आप चाहते हैं उन एसएमएस को अभी रिकवर करके दोबारा से रीड करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नीतीश चौधरी एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल यार। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो रोजाना अपने फ़ोन में देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। नीचे में आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में आई नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करके ऑल कर देना है, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इन सभी वीडियो को सबसे पहले अपने फ़ोन में देख पाएंगे। तो गाइस, यहाँ से हम चलेंगे गूगल प्ले स्टोर पर और आपको अपने फ़ोन में एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा। उस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जाइए, आप ओपन कीजिए। यहाँ से मैं इस ऐप को ओपन कर रहा हूँ। तो इस ऐप का नाम है एसएमएस रिकवरी। लिंक मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक करें। फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ रिकवरी करने का ऑप्शन दिए जाते हैं। चाहे तो आप कॉन्टैक्ट को भी रिकवर कर सकते हैं, एसएमएस को भी कर सकते हैं। तो हमें जो है यहाँ पे सेटअप ए बैकअप पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है देख सकते कि हमारे पास जो है दो चीज़ का ऑप्शन इन्होंने दिया है। तो यहाँ से जो हम इसे बंद कर लेते हैं, एसएमएस को रहने देते हैं, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं कि आप जो भी एसएमएस रिकवर होंगे उसे आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो चाहे तो आप यहाँ से गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो, ड्रॉप बॉक्स में कर सकते हो, या ओनली ड्राइव में। लेकिन सबसे ज़्यादा आसान है यहाँ पे फ़ोन में, क्योंकि हम अपना फ़ोन में ही करना चाहते हैं। तो इसे हम ओपन कर लेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे, फिर यहाँ पर टिक करके यस कर देंगे। और उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे कि विक का लेना चाहते हो या फिर हॉर्नली या फिर डेली। तो सबसे नीचे वाले में टिक करें और उसके बाद यहाँ पे बैकअप नाउ के बटन पे क्लिक करें, सबसे नीचे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो है बैकअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते कि मेरे पास 2965 एसएमएस इस बार जो है रिकवर हो रहा है। हालांकि मैंने अभी से जो है कुछ देर पहले भी रिकवर किया था टेस्ट करने के लिए, तो इतना मैसेज रिकवर हुआ है। तो इसीलिए सिर्फ इतना ही हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले टेस्ट करता हूँ हर एक चीज़ को कि आप कैसा है, आप रियल है या फेक है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं वीडियो को बना लूँ और जो भी बंदे वीडियो को देखे, अगर वो कुछ इस वीडियो से नहीं सीखेंगे तो वीडियो को या तो डिसलाइक करेंगे या फिर कमेंट में कुछ गंदे कमेंट कर देंगे। इसीलिए सबसे पहले वीडियो को टेस्ट करना चाहिए कि वीडियो अब फेक तो नहीं बन जाएगा, 100% रियल होना चाहिए। कोई भी वीडियो, जो भी ट्रिक बताऊंगा वो रियल होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूं कि जिस फ़ोन से ये एसएमएस डिलीट हुआ है वही एसएमएस इस फ़ोन में रिकवरी होंगे। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं कि रिकवरी होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जो है ये कंप्लीट होने ही वाला है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ओके, और ये हो चुका है दोबारा से ये। उसके बाद हमें यहाँ पे व्यू डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक करना होता है और फिर यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएंगे, इसे हम खोलेंगे। फिर प्लीज़ वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे। और उसके बाद देख सकते हैं कि सारा जो भी एसएमएस था वो हमारा आ चुका है। कुछ इसी तरह से आप भी ला सकते हो। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, आप हमें नीचे में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, वंदे मातरम।